अभिनेत्री सारा अली खान ने फिल्म लवाजकल के ट्रेलर लॉन्च पर स्पष्ट कर दिया है कि यह फिल्म सैफ और दीपिका अभिनीत फिल्म लवाजकल का सीक्वल नहीं है। इवेंट के दौरान सारा ने यह बात कही। अभी किसी और कंपैरिजन की बात हो रही थी, तो आई थिंक कंपैरिजन इज समथिंग कि चलता रहता है और शायद चलता रहेगा, बट आई डोंट थिंक कि ये लवाजकल 2 है, ये हम सीक्वल नहीं बना रहे हैं। ये फिल्म प्यार आज जो है उसे दर्शाने की कोशिश कर रहा है, और इम्तियाज सर ने मेरे हिसाब से और दीपिका ने और मेरे फादर ने और दीनू ने 11 साल पहले बहुत ही अच्छे से दर्शाया था कि लव तब क्या था। अब आज हम लोगों ने वही कोशिश की है, तो शायद कंपैरिजन होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम एक सीक्वल बना रहे हैं। ना मुझे लगता है कि कार्तिक ने मेरे फादर का किरदार निभाने की कोशिश की है, या मैंने दीपिका का किरदार निभाने की कोशिश की, क्या का किरदार निभाने की कोशिश की है, नहीं ऐसा नहीं है। आई थिंक दैट वी आर ऑल इंडिविजुअली टेलिंग अ न्यू स्टोरी दैट इज विद डिफरेंट कैरेक्टर्स। हमारे कैरेक्टर्स अलग हैं, हमारी कहानी अलग है, प्यार आज हम सब के हिसाब से अलग है। सो आई थिंक वी ऑल कम टुगेदर टू शोकेस दैट, बट आई मीन लिटिल बिट ऑफ कंपैरिजंस दैट आर नॉट रियली नेसेसरी विल आई गेस कंटिन्यू बिकॉज़ दैट्स व्हाट थ्राइव्स हियर। सो दिलचस्प बात यह है कि इम्तियाज अली ने 2009 में सारा के पिता के साथ लवाजकल का पहला भाग बनाया था, जिसमें दीपिका पादुकोण भी अहम किरदार में नजर आई थी। यह फिल्म काफी सफल रही। कार्तिक और सारा की फिल्म लवाजकल इस वैलेंटाइन डे सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म दिनेश विजन इम्तियाज अली द्वारा निर्मित और जियो स्टूडियोज दिनेश विजन और रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। INS रिपोर्ट।